न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। अब इसे शासन की सुस्ती कहें या फिर सेवा सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली पुलिस का नकारापन। पीतल नगरी रेवाड़ी में बदमाश इस कदर बेखौफ हो चले हैं कि यहां दिन दहाड़े आपराधिक वारदातें होना आम बात हो गई है, और यह इसी का नतीजा कहें कि शहर के भाड़ावास रोड पर आज 3 नकाबपोश बदमाशों ने दुकान पर बैठे एक व्यापारी के सिर में लोहे की राड से वार कर न केवल उसे बुरी तरह घायल कर दिया बल्कि गल्ले से करीब 30,000 रुपये की नकदी लूटकर रफू चक्कर हो गए। घायल व्यापारी की माने तो वह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, अचानक 3 नकाबपोश युवक वहां आए और व्यापारी से लोहे की हथौड़ी मांगी। व्यापारी युवकों को हथौड़ी दिखा ही रहा था कि उनमें से एक युवक ने व्यापारी के सिर पर लोहे की हथौड़ी से वार कर दिया। जैसे तैसे अपना बचाव करते हुए व्यापारी वहां से भाग निकला, लेकिन पीछे से बदमाश गल्ले से करीब 30,000 रुपये की नकदी लूटकर फरार हो गए। आसपास के लोगों ने घायल व्यापारी को तुरंत इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। बेशक घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद जहां व्यापारियों में दहशत का माहौल है तो वहीं पुलिस प्रशासन के प्रति भारी रोष भी है। ऐसे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि बदमाशों में पुलिस का कितना खौफ रह गया है। अब अगर आरोपियों की गिरफ्तारी की बात करें तो पुलिस की ओर से इस मामले में अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए राजकुमार की रिपोर्ट। हथौड़ी दिखाई बोले और हैवी दे दो, और हैवी दिखा दी बोले इससे हैवी दिखा दीजिए, वो नीचे काउंटर के नीचे रखी थी, मैं झुक के निकालने लगा, इतने में उन्होंने मेरे सिर पे वार करने चालू कर दिए। एक तीसरा लड़का बाहर खड़ा था, वो बेल मांग रहा था, वो इतने में मैं बाहर निकल के बचने के लिए बाहर भागा, उसने मेरे को पकड़ना चाहा, मैं उससे बच के निकल के भाग गया। मैं उन्होंने वो इतने में भाग के निकल गए, गल्ले में पैसे लेके निकल के भाग गया। वो लोग गल्ले में 25-30 हज़ार रुपये थे जी। हाँ जी, मास्क लगाया हुआ था जी, उनके सभी तीनों ने मास्क लगाए हुए थे। सुरेंद्र कुमार, सुरेंद्र कैसे, क्या कुछ हुआ? दुकान पर बैठे थे ये, दुकान पर बैठे हुए 3 कस्टमर आए, उन्होंने हथौड़ी मांगी, तो उन्होंने हथौड़ी पहले छोटी दिखाई, फिर बोले जो और बड़ी दिखाओ, उन्होंने और बड़ी दिखाई, बोले जो और बड़ी दिखाओ, उन्होंने और बड़ी दिखाई, बोले हमें और बड़ी चाहिए, तो वो नीचे से निकाल कर जब देने लगे तो जो हथौड़ियाँ इन्होंने दिखाई थी ग्राहक को वो काउंटर पर रखी थी, और वो हथौड़ियाँ उन्होंने सिर में मारनी शुरू कर दी, और फिर उनके सिर में काफ़ी चोट आई है। पुलिस की बात की जाए, पुलिस को पुलिस तो 10-5 मिनट में ही पहुंच गई होगी जी। प्रशासन से मांग चाहते हो, दहशत है, व्यापारियों में दहशत है जी, इस तरीके से दिन दहाड़े लूट हो रही है।